हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सिंगम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंगम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंगम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंगम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंगम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंगम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंगम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंगम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंगम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंगम के तीसरे भाग के लिए एक
स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और तीन देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो एसआई थ्री मतलब सिंघम थ्री ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर धोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि राय हाजी के त्यौहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराई चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरी सिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम
IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दूरी सिंघम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल विराम बाबू विरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दूरी सिंघम को जोर से दहाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दूरी सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्यौहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर
दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम, IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में
प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम दौरम निर्देशित और पेन इंडियम लिमिटेड के जयंती लाल गडा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्योहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो एसआई 3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई।
जबकि सूर्या और हरी के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरैसिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनो आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरी का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी। और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक
अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर धोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि राय हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरई सिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। सूरी कांस्टेबल
वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और तीन देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो एसआई 3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरी के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए थे। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरी द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में
एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से दहाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को
थाईपूसम त्योहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरी का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है, पूर्ण रूप
मिहिन, दुर्यसिंहम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है, जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था, और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रो विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुर्यसिंहम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुर्यसिंहम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुर्यसिंहम सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी। और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़
और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरईसिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरईसिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनो आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि राय हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरईसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरईसिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरईसिंघम सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से
दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और तीन देशों में सेट किया जाएगा क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोगी फिल्म सिंघम 2 के
कुछ महीने बाद आती है और डीसीपी दुरिसिंगम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंगम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंगम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंगम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंगम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंगम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंगम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र की। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंगम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंगम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी
चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंगम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंगम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंगम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंगम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंगम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंगम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंगम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंगम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंगम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंगम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंगम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंगम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंगम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंगम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को
ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंती लाल गडा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है।
वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरईसिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में, दुरईसिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनो आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरईसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरईसिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरईसिंघम सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी। और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप
उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और तीन देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो एसआई थ्री मतलब सिंघम थ्री ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि राय हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरी सिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष कशटिन काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से दहाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनो आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्यौहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने
सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम, IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम, सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था।
जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गडा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगी
एवं के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर धोता है पूर्ण रूप में दुरैसिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए थे। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह। सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी। और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में
दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनो आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरी सिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी।
श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी
और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंती लाल
गडा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपुसम त्योहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने
पांच में से तीन का मूल्यांकन किया और लिखा। सूर्य जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में दुरैसिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि राय हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया जबकि पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है।
वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI 3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है जबकि हंसिका मोटवानी श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का 5वां सहयोगी फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और DCP दुरई सिंघम पर केंद्रित है जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में TPT कमिश्नर दुरई सिंघम IPS के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी। श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद
हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थी, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरी ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और तीन देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र की। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नाम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनोआम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख की कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्यौहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्टोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंघम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंघम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंघम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक
केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्यम और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंघम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंघम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंघम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष कशटिन काव्यम दुरई सिंघम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो सिंघम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरी एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंघम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। हरी ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंघम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो SI3 मतलब सिंघम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंघम को जोर से धाड़ने, तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई। जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है। दुरई सिंघम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरि की निरंतर तम पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहाय नम की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब
ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरि रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमीन चैनल 231 में हुआ था और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंगम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंगम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए थे। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। सिंगम 3 हरि द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है। सिंगम 2 2013 की अगली कड़ी और सिंगम फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म। इसमें सूर्या और अनुष्का शेट्टी है, जहां अनुष्का शेट्टी ने मुख्य भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण विस्तारित केमियो भूमिका निभाई है, जबकि हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन और ठाकुर अनूप सिंह के साथ एक श्रृंखला में एक केमियो भूमिका निभाती है। यह सूर्या और हरि का पांचवा सहयोग है। फिल्म सिंगम 2 के कुछ महीने बाद आती है और डीप सी पी दुरिसिंगम पर केंद्रित है, जो विजाग शहर के पुलिस आयुक्त रामकृष्ण की हत्या के मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विशाखापट्टनम में डिप्टी कमिश्नर दुरई सिंगम आईपीएस के रूप में सूर्या को रामकृष्ण की हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया है। अनुष्का शेट्टी काव्यम दुरी सिंगम सिंगम की पत्नी, श्रुति हसन विद्या अग्नि के रूप में, वही विट्ठल प्रसाद के रूप में ठाकुर अनूप सिंह, सूरी कांस्टेबल वीराम बाबू वीरम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो सिंगम 2 की व्यावसायिक सफलता के बाद हरि एक और एक्शन फिल्म के लिए सूर्या के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे, जो सिंगम फ्रेंचाइजी से दूर एक नई स्क्रिप्ट के साथ थी और अक्टूबर 2014 में अभिनेता के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। हरि ने खुलासा किया कि अपने आसपास के लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाद में फिल्म की एक पंक्ति की कहानी को सिंगम के तीसरे भाग के लिए एक स्क्रिप्ट में विकसित किया, जबकि फिल्म पहली फिल्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के भीतर शूट की गई थी और दूसरी में दक्षिण अफ्रीका में कुछ दृश्यों को दिखाया गया था। हरि ने कहा कि तीसरा भाग अधिक अंतर्राष्ट्रीय होगा और 3 देशों में सेट किया जाएगा, क्योंकि नायक एक वैश्विक मुद्दे से निपटता है। वही बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो SI3 मतलब सिंगम 3 ने अपने शुरुआती दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ एकत्र किए। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिवसीय सप्ताह में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि विलंबित रिलीज दुरई सिंगम को जोर सिंधार ने तेज कार्रवाई करने, बदमाशों को बिना किसी समझौता के मारने और अपने सहयोगियों के साथ साथ दर्शकों से तालियां जीतने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि सूर्या और हरि के योगदान की भी सराहना की। पतली परत आलोचना ने 5 में से 3 का मूल्यांकन किया और लिखा, सूर्या जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर दोता है पूर्ण रूप में है, दुरई सिंगम उतना ही तीव्र बहादुर और ऊर्जावान दिखाई देता है।
जितना कि वह 6 साल पहले दिखाई दिया था। और निर्देशक हरी की निरंतर पुलिस की कहानियों को ठोस और मनोरंजक ढंग से संभालने की सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि वह बार बार अपनी विशेषता साबित कर रहे हैं। बात करें मूवी के रीमेक के बारे में, तो फिल्म को ठाकुर अनूप सिंह के साथ फिल्म में रीमेक करने के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सूर्या और द्वारा निबंधित मुख्य भूमिका निभाते हुए मूल में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। रीमेक गुड्डू धनु आम द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गड्डा द्वारा निर्मित होंगी। बात करें मूवी की थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो 9 फरवरी 2017 को थाईपूसम त्यौहार के साथ रिलीज होने से पहले सिंघम 3 रिलीज की तारीख के कई बदलाव से गुजरा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह फिल्म का पहला प्रीमियर हरी रायम हाजी के त्योहारी सप्ताह के दौरान एंट्रोम विनमी चैनल 231 में हुआ था, और आगे दिवाली 2017 को एस्ट्रोन विलिन थीराइन चैनल 202 में प्रीमियर हुआ था। सिंघम 3 के उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे और अमेजोन ने सिंघम 3 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये मूवी अमेजोन पर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।